हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रिवेन्यू कोड के अंदर सेक्शन 68 और 69। तो सेक्शन 68 बात करता है गांव फंड से रिलेटेड और सेक्शन 69 बात करता है कंसोलिडेटेड गांव फंड से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि जब हम जो सेक्शन पढ़ें तो उसके अंदर का देखें तो आपको ये चीज क्लियर समझ में आ जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो गांव फंड और कंसोलिडेटेड गांव फंड में डिटेल में हमें डिफरेंस जानने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ अभी ये देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि हम जब सेक्शन पढ़ेंगे अलग अलग तो हमें ऑटोमेटिक अपना पता चल जाएगा, मतलब कि एक एक दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी सिर्फ हम मीनिंग जान लेते हैं, थोड़ा सा इतने हद तक जान लेते हैं ताकि हम जब सेक्शन के बारे में देखें तो हमें समझ में आ जाए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, गांव फंड जो है एक पर्टिकुलर गांव से रिलेटेड है, किसी एक गांव से रिलेटेड, मतलब किसी एक गांव का जो फंड है उसको गांव फंड कहा जाएगा। और कंसोलिडेटेड गांव फंड है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक कंसोलिडेटेड गांव फंड होता है, जिसमें कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव होते हैं उन सभी गांवों के द्वारा उस कंसोलिडेटेड गांव फंड में जो है फंड सबमिट किया जाता है, जमा किया जाता है। गांव फंड हुआ एक गांव से रिलेटेड, और जो कंसोलिडेटेड गांव फंड है उस एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव आ रहे हैं उन सबका मिला जुला गांव फंड, मतलब जो फंड जहां पे सबमिट करते हैं वो कंसोलिडेटेड गांव फंड है। ये सिर्फ इतना डिफरेंस देख ले तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, और जब हम सेक्शन 68 और 69 पढ़ेंगे अलग अलग तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि गांव फंड और कंसोलिडेटेड गांव फंड में डिफरेंस क्या क्या और क्या क्या डिफरेंस है, वो हमें सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 68 की। तो सेक्शन 68 है वो गांव फंड से रिलेटेड है। गांव फंड को हिंदी में गांव निधि भी कहा जाता है। सेक्शन 68 का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या जो भूमि प्रबंधक समिति है उसके द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव किया जाता है, जो भी मनी रिसीव की जाती है, वो सब गांव फंड में सबमिट की जाती है। सेक्शन 60 में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो जो भूमि प्रबंधक समिति है, मतलब कि LMC लैंड मैनेजमेंट कमेटी, ये ग्राम पंचायत के बिहाफ पर काम करती है। इनके द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव किया जाएगा वो गांव फंड है उसमें सबमिट किया जाएगा, वहां पर जमा किया जाएगा। अब ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधक समिति के पास जो अमाउंट कहां से आएगा, देखिए इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हमने पिछले सेक्शनों में पढ़ा था कि जमीन ग्राम पंचायत में वेस्ट करती है या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत को दी गई है देखरेख के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अगर वो उसको लीज पर देंगे, जो टैंक है उसको लीज, जो टैंक के बारे में, तालाब के बारे में बात कर रहा था, उसको हम लीज पर दिया जाएगा, बाजार ये लगते, मेला लगते, हाँ तो ये भी एक तरह से इनकी भी का जो ठेका होता है इनका भी अमाउंट आता है। इसी तरह का कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, किसी तरह कोई डोनेशन दी जा रही है, ये सारा अमाउंट जो रिसीव किया जाता है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा, तो ये सारा अमाउंट गांव फंड में सबमिट किया जाता है। पर देखिए, इसका जो सबसेक्शन 1 है इसका प्रोविजो कहता है सेक्शन 67 के अंडर अगर जो भी अमाउंट डैमेजेस के तौर पर या कंपनसेशन के तौर पर रिकवर किया जा रहा है उसको गांव फंड में सबमिट नहीं किया जाएगा, उसको जो सबमिट किया जाएगा कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा। तो ये अमाउंट सिर्फ कंसोलिडेटेड गांव फंड में जाएगा जो सेक्शन 67 के अंडर कंपनसेशन के तौर पर या डैमेजेस के तौर पर रिकवर किया गया है। देखिए, सबसेक्शन 2 इसका कहता है कि अगर किसी एक्ट के द्वारा कोई गांव फंड बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, निर्मित किया गया है, और इस एक्ट के इस कोड के आने के बाद, मतलब कि रिवेन्यू कोड के आने के बाद, इसको इन्फोर्स होने के बाद, इसके कमिशमेंट होने के बाद, वो जो एक्ट था वो रिपील कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उस एक्ट के द्वारा जो गांव फंड क्रिएट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि वो इस कोड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इस कोड के द्वारा वो जो गांव फंड है वो बनाया गया है, ऐसा समझा जाएगा। देखिए, आपको पता है ये रिवेन्यू कोड जो है वो काफी सारे जो एक्ट है उनको सबको मिलाकर ये रिवेन्यू कोड बनाया गया है और उन सभी पुराने एक्टों को खत्म कर दिया गया है। तो अगर उनमें से कोई एक्ट ऐसा था इस कोड के आने से पहले तो उसके अंदर जो गांव फंड बनाया गया था, इस कोड के आने की वजह से वो एक्ट खत्म हो गया है, तो ये समझा जाएगा कि वो गांव फंड जो है इस एक्ट के अंदर, इस कोड के अंदर बनाया गया है। तो जो सबसेक्शन 3 है वो बताता है कि गांव फंड जो ऑपरेट किया जाएगा, किस मैनर में, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उस मैनर में ऑपरेट किया जाएगा, और जो उसका अमाउंट है वो किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। तो जो भी मैनर, जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस पर्पज के लिए यूज किया जाना है, वो उस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा, और ये पर्पज और जो कौन ऑपरेट करेगा इसकी डिटेल जो दे रखी है वो रूल
69 के अंदर मेंशन है कि कौन पर्सन इसको ऑपरेट करेगा और किस पर्पस के लिए वो यूज किया जाएगा। रूल 69 को हम सेक्शन 68 के साथ पढ़ेंगे। रूल 69 देख लेते। देखिए रूल 69 में यही कह रहा है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या भूमि प्रबंधक समिति जिसको LMC कहा जाता है, तो उसके द्वारा जो भी अमाउंट वसूल किया जाएगा या प्राप्त की जा रही है जो भी धनराशि, चाहे वो डोनेशन ही क्यों ना हो, तो वो भी सब गांव फंड के अंदर सबमिट की जाएगी। तो गांव फंड है उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, क्या कहां पर यूज होना है, या फिर देखभाल देख रेख रखना, या फिर आप कह सकते हो कि उसके लेखा जोखा रखना, अकाउंट बनाना कि कितना आया, कहाँ एक्सपेंस हुआ, कहाँ पे खर्चा हुआ, कहाँ से इनकम कितनी आई, तो इसका पूरी जो ऊपर जो मेंटेनेंस इसकी करेगा वो जो चेयरमैन है LMC का, भूमि प्रबंधक समिति का, तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी रेख देख करेगा। गांव निधि के प्रबंधन या फिर उचित लेख जोखा जो करा जाएगा किसके लिए, उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो चेयरमैन के ऊपर होगी। बात करते हैं कि किस पर्पस के लिए जो गांव फंड है उसका यूज किया जाएगा। वो सभी पर्पस सेक्शन 60 के सब सेक्शन 2 में दिए हुए हैं और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं सेक्शन 60 के ऊपर, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। पर मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ चीजें आपको बता देता हूं कि किन किन पर्पस के लिए गांव फंड का यूज किया जा सकता है। जैसे जो फॉरेस्ट है, ट्रीज है, उनके प्रिजर्वेशन से रिलेटेड उसका यूज किया जा सकता है, मेंटेनेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड उनका यूज किया जा सकता है। जो हाट बाजार है, मेला है, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड। जो फिशरीज है, टैंक है, उनके डेवलपमेंट मेंटेनेंस से रिलेटेड। कोई कॉटेज इंडस्ट्री, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड। एग्रीकल्चर है, उनके इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड। इन सभी पर्पज के लिए जो है गांव फंड का यूज किया जा सकता है। देखिए गांव फंड का जो अमाउंट है वो जो मैंने पर्पज बताए हैं उनके लिए जो यूज किया जाना है वो उन पर्पस के लिए यूज तो किया जाएगा, पर सेक्शन 69 के सब सेक्शन 2 में जो प्रोविजन दे रखे हैं के अंतर्गत रहते हुए वो किया जाएगा। अब सेक्शन 69 के जो सब सेक्शन 2 में ये है कि गांव फंड का जो टोटल अमाउंट है उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट, ये अमाउंट जो डिसाइड किया जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जो कि टाइम टू टाइम अलग होगा। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन दिया गया है कि इतना अमाउंट, उतने अमाउंट, उतनी परसेंटेज टोटल जो गांव फंड का है उसमें से, गांव फंड में से उतना, उतने परसेंटेज, उतना अमाउंट जो है वो कंसोलिडेटेड गांव फंड में डिपॉजिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा। देखिए नोट करने वाली बात ये है, ये जो अप्लाई होगा सिर्फ सेक्शन 67 पर अप्लाई होगा, मतलब सेक्शन 67 के अंडर तो टोटल अमाउंट एक साल में गांव फंड के अंदर जमा किया गया है, मतलब कि जो सेक्शन 67 के अंदर जो अमाउंट गांव फंड में जमा किया गया है उसका जितनी प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि उस अमाउंट का इतना परसेंट आपको जमा कराना है कंसोलिडेटेड गांव फंड में, तो उतना ही अमाउंट जो है कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा। उस टोटल अमाउंट का सेक्शन 67 के अंडर एनुअली उस गांव फंड में जमा किया गया है, पर ये परसेंटेज जो है 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, सपोज करिए किसी गांव में सेक्शन 67 के अंदर एनुअली अमाउंट रिसीव हुआ वो 50,000 है, उस केस में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है कि इतनी परसेंटेज उस अमाउंट की, टोटल अमाउंट की जो है जमा करनी है कंसोलिडेटेड गांव फंड में, उतनी सबमिट की जाएगी, पर वो 25% से ज्यादा नहीं होगी, मतलब 12,500 रुपए से ज्यादा अमाउंट जो है कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट नहीं किया जाएगा। अमाउंट हमने सेक्शन 67 के अंदर रिसीव किया है गांव फंड के अंदर। अब आगे बात करते हैं। देखिए गांव फंड हर एक्सपेंसेस के लिए जो भी खर्चा होगा उसके लिए जो भूमि प्रबंधक समिति है LMC है उसमें रिसोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसको प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। प्रस्ताव पारित करने के बाद, पास होने के बाद तभी उस अमाउंट को, उस गांव फंड के उस अमाउंट को वहां पर उस चीज के लिए खर्च किया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। ये हमारा सेक्शन 68 रूल 69 पूरा हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 69 की, जो कि बात करता है कंसोलिडेटेड गांव फंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। देखिए सबसेक्शन 1 कहता है कंसोलिडेटेड गांव फंड जो है, मतलब कि समेकित, हिंदी में अगर कहें तो समेकित गांव निधि, हर जिले के लिए एक कंसोलिडेटेड गांव फंड बनाया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। उसमें कौन कौन सा अमाउंट जो है सबमिट किया जाएगा कंसोलिडेटेड गांव फंड में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसेक्शन 1 का जो
सब क्लोज ए है वो कहता है कि सेक्शन 68 का जो सबसेक्शन 1 में हमने प्रोविजो पढ़ा था, जब मैंने आपको सेक्शन 68 बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 67 के अंदर डैमेजेस या कोई कंपनसेशन अगर रिकवर किया जा रहा है तो वो कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा। तो ये उसी की बात कर रहा है कि जो सेक्शन 68 के सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में हमने पढ़ा था तो वो अमाउंट कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा। बी है के कलेक्टर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन कोई भी रिसीव किया जाएगा जो कि सेक्शन सबसेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 69 के सबसेक्शन 2 जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं अभी, वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो वाला, तो वो अमाउंट भी कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा। इसका सी कहता है एज अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, सच अदर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो जो भी बताया गया है जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, अब ये किसमें बताया गया तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रूल 70। तो रूल 70 में बताया गया कि और कौन कौन से अमाउंट जो हैं वो कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किए जाएंगे। तो ये कहता है कि 136 के सबसेक्शन 1 में अगर कोई अमाउंट डैमेजेस के तौर पे रिकवर किया जा रहा है, वसूला जा रहा है, तो वो भी आपका इसमें जाएगा कंसोलिडेटेड गांव फंड में। और सेक्शन 151 के सबसेक्शन 1 में कोई अमाउंट डैमेजेस के तौर पर वसूला जा रहा है वो भी कंसोलिडेटेड गांव फंड में जाएगा। सेक्शन 228 के अंदर जो ट्रीज हैं उनके वैल्यू, जो ट्रीज की जो वैल्यू होगी या फिर उन पर किसी तरह की पेनल्टी रिकवर की जा रही है तो वो भी इसके अंदर जाएगा। उसके बाद है कि जो सेक्शन 69 के सबसेक्शन 3 में जो एक्सपेंसेस किया जाएगा जिसे हम अभी आगे बढ़ेंगे कि ये कंसोलिडेटेड गांव फंड कहां पर खर्च किया जाएगा, तो उस पर जो सेक्शन 69 के सबसेक्शन 3 में जो खर्च किया जाएगा उस खर्च करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट देगी, जो कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, तो वो अमाउंट भी कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा। तो आज जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सा अमाउंट जो है कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा। जो सेक्शन 68 के सबसेक्शन 1 के प्रोविजो में दिया गया है, दूसरा सेक्शन 69 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ये सारी चीज 25% वाला, थर्ड सेक्शन 136 के सबसेक्शन 1 में, फोर्थ सेक्शन 151 के सबसेक्शन 1 में, और फिफ्थ सेक्शन 228 के अंदर, लास्ट सेक्शन 69 के सबसेक्शन 3 में जो एक्सपेंसेस हो रहा है और वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन जो ग्रांट दी जा रही है उस एक्सपेंस करने के लिए वो सब अमाउंट कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा, जमा किया जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 69 के सबसेक्शन 2 के बारे में। सबसेक्शन 2 को वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसे एक बार थोड़ी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन 67 के अंदर किसी विलेज के द्वारा कोई भी अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है एक साल में उस सेक्शन 67 के अंदर उस गांव के द्वारा गांव फंड में जितना भी अमाउंट टोटल अमाउंट जो सबमिट किया जाएगा जमा किया जाएगा उसका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी परसेंट बताई गई है उतना अमाउंट उसमें से जो है कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट किया जाएगा, वो अमाउंट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब सेक्शन 2 के साथ हम देखेंगे रूल 71। रूल 71 में यही बताया गया कि किसके द्वारा ये किया जाएगा, तो जो कलेक्टर होगा, कलेक्टर उस गांव के जो भूमि प्रबंधक समिति का जो चेयरमैन होगा उसको ये डायरेक्शन देगा, उसको ये आदेश देगा हर साल के जून महीने में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी अमाउंट बताया गया है, जो भी परसेंट बताई गई है, उतना अमाउंट वो कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर तहसील लेवल पर सेपरेटली। कंसोलिडेटेड गांव फंड जो है तहसील लेवल पर भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकती है, इससे हमें ये चीज क्लियर होती है। चेयरमैन को यह डायरेक्शन मिलेगा कलेक्टर के द्वारा, तो चेयरमैन क्या करेगा, भूमि प्रबंधक समिति का जो उसके मेंबर्स हैं उनको सबको जो है मीटिंग के लिए बुलाएगा और उनको सबको इन्फॉर्म करेगा, ऐसे ऐसे वो सब इन्फॉर्मेशन उनको देगा और उनको डायरेक्शन देगा उस चीज के लिए, ऐसे ऐसे उसके कलेक्टर के द्वारा उसको ये डायरेक्शन दिया गया कि इतना परसेंट अमाउंट वो कंसोलिडेटेड गांव फंड में सबमिट करा दे, मीटिंग में सारी बात रखेगा। इसका जो सबसेक्शन 3 है, सेक्शन 69 का सबसेक्शन 3 बताता है कि जो ऑपरेट किया जाएगा कंसोलिडेटेड गांव फंड वो कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, और गांव फंड जो हमने पढ़ा था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, वो चेयरमैन के द्वारा किया जा रहा था। अब देख लेते हैं कि कंसोलिडेटेड गांव फंड किस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, कहां पर उसको अप्लाई किया जाएगा। तो पहला है कि सेक्शन 72 के अंदर अगर कोई भी लॉयर अपॉइंट किया गया है उसकी फीस से रिलेटेड, अलाउंस से रिलेटेड वो अमाउंट वहां पर यूज किया जाएगा। दूसरा है कि अगर ग्राम पंचायत या फिर जो भूमि प्रबंधक समिति है उसके विरुद्ध जो है कोई भी सूट चल रहा है, उसके अगेंस्ट कोई भी सूट चल रहा है,
कोई अन्य कार्रवाई चल रही है या कोई एप्लीकेशन दी गई है तो उसमें जो खर्चे आएंगे उनके उसके एक्सपेंसेस से रिलेटेड वहां पर वो यूज किया जाएगा कंसोलिडेटेड गांव फंड का। थर्ड है कोई ऐसा लैंड है जिसका कॉमन यूज किया जा रहा है, कॉमन यूटिलिटी पर्पस के लिए यूज की जा रही है, उपयोग किया जा रहा है, तो उस ऐसी जमीन के डेवलपमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आएंगे तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। फोर्थ है जहां स्टेट गवर्नमेंट जनरल या कोई स्पेशल ऑर्डर देती है कि यहाँ पर पेमेंट करनी है, यहाँ पर वो जो मतलब कि पेमेंट उसकी जो है भुगतान करना है तो वहां पर वो दिया जाएगा, वहां पर पेमेंट की जाएगी। उसके बाद है सबसेक्शन फोर है। सबसेक्शन फोर सेम वही चीज कहता है जो हम सेक्शन 68 के सबसेक्शन 2 में पढ़ा था। कोड के स्टार्ट होने से पहले अगर किसी एक्ट के द्वारा कोई कंसोलिडेटेड गांव फंड क्रिएट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, निर्मित किया गया था, तो इस कोड के स्टार्ट होने के बाद भी यही समझा जाएगा जैसे कि वो इस कोड के द्वारा उस कंसोलिडेटेड गांव फंड को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। सेक्शन 69 का जो सबसेक्शन 5 है, जो लास्ट सबसेक्शन है, वो कहता है स्टेट गवर्नमेंट गजट में नोटिफिकेशन देने के बाद चाहे तो कंसोलिडेटेड गांव फंड जो है तहसील लेवल पर भी या हर तहसील के लिए वो एस्टेब्लिश कर सकती है, बना सकती है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि कंसोलिडेटेड गांव फंड जो है वो तहसील के लिए भी बनाया जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट के लिए तो होगा ही होगा, तो दोनों लेवल पर हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और तहसील लेवल पर भी। तो अगर तहसील लेवल पर बनाना चाह रही है तो उसको गजट में नोटिफिकेशन देने के बाद वो तहसील लेवल पर भी स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। इस तहसील लेवल पर जो कंसोलिडेटेड गांव फंड बनना है, अगर इससे रिलेटेड हम देखें तो क्या मतलब कौन उसकी देखभाल करेगा, तो फिर से हमें रूल 70 देखना पड़ेगा। रूल 70 में दिया हुआ है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर होगा और तहसीलदार, तो ये दोनों ही उसकी रेख देख करेंगे तहसील लेवल पर। देखिए गांव फंड का हमने पढ़ा था, गांव फंड का हमने देखा था कौन कर रहा था, भूमि प्रबंधक समिति का जो चेयरमैन होगा वो, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर कंसोलिडेटेड गांव फंड होगा उसका करेगा कलेक्टर, और अगर जो तहसील लेवल पर कंसोलिडेटेड गांव फंड होगा उसका करेगा सब डिविजन ऑफिसर SDO प्लस तहसीलदार, दोनों मिलकर साथ करेंगे। जैसे कि हमने सेक्शन 69 के सब सेक्शन 2 में पढ़ा था 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकती है कंसोलिडेट गांव फंड में, तो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी परसेंटेज बताइए कि इतना परसेंटेज वहां पे सबमिट करना है तो वहां पर करेंगे, और जितना तहसील लेवल पर बताया गया उसमें उतना परसेंटेज करना पड़ेगा। गांव फंड में से जितनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है कि इतनी परसेंटेज आपको वहां पर जमा करनी है कंसोलिडेट गांव फंड में, तहसील लेवल पर जितनी बताई गई है तहसील लेवल पर उतनी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी बताई गई उतनी परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वहां पर वो अमाउंट जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा। पर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपके सेक्शन 67 के अंडर जो अमाउंट रिसीव हुआ है एनुअली, उसका वो उसके टोटल एनुअली जो टोटल अमाउंट है एनुअली जो रिसीव हुआ है उसका वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट। ये हमारी जो वीडियो है ये खत्म होती है, पूरा टॉपिक हमारा ये कवर हो गया। अगर मेरी से कोई चीज छूट गई है या कुछ गलत से मैंने कुछ गलत बता दिया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं उस चीज के लिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के